हरी मेथी के पत्तों से आपने सब्जियां, पराठे और नाश्ते तो कई बार बनाए होंगे। चलिए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हरी मेथी के पत्तों की बहुत ही स्वादिष्ट एकदम नई सी रेसिपी, जिसको एक बार आप खा लिए ना तो बार बार बनाने वाले हैं, क्योंकि रेसिपी बहुत नई है, कम चीज़ों से बनकर तैयार होती है और इसका स्वाद भी ना एक अलग ही लेवल का है। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव क्लास सारिका, और मैं हूँ सारिका। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने लिए हैं मेथी, और ये 500 ग्राम मेथी के सारे पत्ते मैंने तोड़ लिए हैं और अच्छी तरीके से वॉश करके सूखे कपड़े पर डाल दिया था, जिससे कि एकदम ड्राई हो गए, दिख रहे हैं। तो यहाँ पर पत्तों का ही यूज़ करना है, मोटे मोटे स्टेम्स का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। मेथी के पत्तों के साथ हमें लेना है बेसन, एक कप बेसन मैंने लिया है। आप अपने हिसाब से कोई से भी बेसन का यूज़ कर सकते हैं, मोटे हो या फिर बारीक, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो चलिए अब बनाएंगे एक बहुत ही स्पेशल सा मसाला इस रेसिपी के लिए। तो एक मैंने मिक्सी का जार लिया है और अब इसमें डालेंगे थोड़े से सूखे मसाले, जिसमें मैं डाल रही हूँ एक छोटी चम्मच साबुत धनिया के बीज। अगर आपके पास धनिया के बीज नहीं है तो आप यहाँ पर पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। एक छोटी चम्मच सौंफ ऐड करेंगे। इसके साथ ही इसमें डालेंगे तिल, सफ़ेद तिल लिए मैंने आधी टेबलस्पून के आसपास। इसके जगह पर आप मूंगफली के दाने भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब डालेंगे इसमें सरसों के बीज। तो ये सरसों के जो दाने हैं, इसको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, ज़रूर से डालना है। ये जो है ना सरसों के दाने, इस रेसिपी की एकदम जान आप कह सकते हैं, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है, तो ज़रूर डालिएगा। अब डाल देंगे एक छोटी चम्मच जीरा, और सेम क्वांटिटी में जितना हमने जीरा लिया है ना, उतना ही हमें काली मिर्च का यूज़ करना है। तो जब आप काली मिर्च डालें तो हरी मिर्च की क्वांटिटी आपको कम रखनी होगी। अब यहाँ पर लिए मैंने चार लहसुन की कलियाँ, और चलिए अब इसको हम पहले कोर्सली ग्राइंड करेंगे, फिर हम इसमें थोड़ा पानी डालेंगे और एकदम स्मूथ बारीक सा पेस्ट हमें इसका तैयार करना है। बिल्कुल भी दरदरा नहीं होना चाहिए, एकदम स्मूथ पीस लेना है। तो चलिए पीस लेते हैं। ये देखिए, मसाले को मैंने अच्छे तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के पीस लिया है। लगभग 3 से 4 टेबलस्पून मैंने पानी डाला है और ये बहुत ही बारीक हो गया है, देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। थोड़ा पतला भी होगा तो चलेगा, लेकिन बढ़िया से बारीक पिसा होना चाहिए। तो ये मसाला हमारा रेडी है, बहुत ही खुशबूदार और बहुत बहुत टेस्टी बनाएगा इस रेसिपी को, तो ज़रूर से इस मसाले को बना कर रखिएगा। चलिए अब बनाएंगे बहुत ही स्पेशल सा मिक्सचर, जो हमने मेथी से बनाया है। तो इसके लिए एक बड़ी सी मिक्सिंग बोल लेनी है, और उसमें मैंने ये सारे मेथी के पत्तों को इस तरीके से अनइवनली कट कर लिया है। तो आप इनको बारीक काट भी सकते हैं, या फिर जो वेजिटेबल चॉपर आते हैं ना, उसमें भी बारीक बारीक कर सकते हैं। मेथी के पत्तों को डालने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे बेसन, जो हमने यहाँ पर एक कप के आसपास लिया था, लेकिन पूरा हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, जितना ज़रूरत होगा उतना ही डालेंगे। तो पहले मैं आधा कप डाल रही हूँ, बाद में जो अगर लगेगा तो मैं और डालूँगी। तो बेसन डालने के साथ ही हम इसमें डालेंगे नारियल। तो यहाँ पर मैंने ताजे नारियल का इस्तेमाल किया है, आप सूखे नारियल या फिर डेसिकेटेड कोकोनट का भी यूज़ कर सकते हैं, और ये नारियल डालने से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है, इसमें एक अलग ही फ्लेवर आपको मिलेगा, तो ज़रूर डालिएगा। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसको हटा सकते हैं, लेकिन अगर हो तो ज़रूर डालिएगा कोई से भी नारियल। तो यहाँ पर 2 से 3 टेबलस्पून मैंने ताजे नारियल को मोटा मोटा कद्दूकस कर लिया है। मोटा इसलिए किया है कि जब ये कुक होते हैं ना तो बहुत ही बढ़िया लच्छे इसके निकलते हैं, इसलिए मैंने मोटा मोटा कद्दूकस करके लिया है। अब इसमें डाल देंगे हरी मिर्चें। तो मैंने 3 हरी मिर्चों को बारीक बारीक काट करके लिया है, वो डाल देंगे इसके अंदर। यहाँ पर मैंने लिए हैं लहसुन अदरक, जिसको बारीक बारीक कट कर लिया है, लगभग 1 टेबलस्पून के आसपास इसको भी डाल देंगे। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो हटा सकते हैं। आधी छोटी चम्मच डाल देंगे इसमें अजवाइन, और इसके साथ ही इसमें जाएगी थोड़े से मसालों में हल्दी, आधी छोटी चम्मच। एक छोटी चम्मच डाल देंगे इसमें धनिया का पाउडर, और इसके साथ ही थोड़ी सी गर्म मसाला, बहुत थोड़ा डालना है, ज़्यादा मत डालिएगा, मैंने आधी छोटी चम्मच ही गर्म मसाला लिया है। अब डालेंगे स्वाद के हिसाब से नमक, और इसमें थोड़ा सा टैंगी और चटपटा टेस्ट देने के लिए आप चाहें तो नींबू का रस ले सकते हैं। मैं यहाँ पर इमली का पानी ले रही हूँ, मतलब इमली के पल्प को मैंने थोड़ी देर भिगो दिया था, और उसमें से सारा पल्प निकाल कर इसका पानी जो बचा है ना, वो इसमें डालेंगे। तो लगभग 1 टेबलस्पून डाला है मैंने। आप यहाँ पर नींबू का रस भी लेंगे ना तो भी बढ़िया टेस्ट आएगा, या फिर अमचूर पाउडर भी ले सकते हैं। तो चलिए सारी चीज़ों को हम पहले मिलाएंगे, अगर ज़रूरत लगेगा तो हम इसमें बाकी का बेसन भी ऐड करेंगे। और इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है मिक्सर में, क्योंकि जो मेथी के पत्ते होते हैं ना, उसमें काफ़ी सारा जूस होता है, तो ये अच्छे तरीके से बन जाते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें बेसन और ऐड कर रही हूँ, तो यहाँ पर 1 कप बेसन में से सिर्फ 2 टेबलस्पून बेसन बच गया है, और बाकी सारा बेसन मैंने इसमें ऐड कर लिया है। अब सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मसलते हुए मिलाना होगा, और बढ़िया से इसको बाइंड करना होगा। ये मिक्सर इतना अच्छे से बाइंड करना है कि अगर आप मुट्ठी में डालकर इसको लड्डू की तरह बनाएं तो एकदम बढ़िया से गुथना चाहिए, वैसा बनाना है। पानी बिल्कुल भी मत डालिएगा, इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है, नहीं तो मिक्सर बहुत ही ज़्यादा गीला गीला सा हो जाएगा।
तो हमने इनको अच्छे से मिला लिया है। देखिए इनको अगर बाइंड करें इस तरीके से तो बंद रहा है। अब इस मिक्सचर को हम 2-3 मिनट के लिए साइड में रख देंगे ताकि जो नमक की वजह से पत्तों से पानी है ना हल्का सा रिलीज हो जाए और मिक्सचर हमारा हल्का सा गीला हो जाए। तो इस मिक्सचर को हमें थोड़ा ही गीला रखना है, मैं आपको बाद में इसकी कंसिस्टेंसी दिखाऊंगी, तब तक इसको साइड में रखते हैं और चलिए अब इसको कुक करने की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है और इसमें हम डालेंगे 2-3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और तेल को जैसे ही अच्छा से गर्म हो जाएगा हम इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच ज़ीरा और इसके साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच ही डाल देंगे इसमें सरसों के दाने। तो ज़ीरा और सरसों के दाने साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे, बढ़िया से क्रैकल होने देंगे इनको। 1-2 पिंच के आसपास हींग ऐड कर लेंगे, अगर आपको हींग का टेस्ट नहीं पसंद है तो आप हटा सकते हैं। सारी चीज़ें बढ़िया से भुनने के बाद हम इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए प्याज। तो लगभग 2 छोटे साइज के प्याज मैंने बारीक काट करके लिए हैं, आप चाहें तो इसको पेस्ट बना करके भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन बहुत बारीक बारीक काटिएगा। प्याज को हम तेल में डालकर अच्छे तरीके से भुनेंगे और बढ़िया से एकदम गोल्डन होने तक इसको हमें पकाना होगा। प्याज का कच्चा टेस्ट बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। तो देख सकते हैं प्याज हमारा अच्छी तरीके से भुनकर रेडी हो गया है। तो अब फ्लेम को हम एकदम कम करेंगे और इसमें डालेंगे हमारा तैयार किया हुआ बहुत ही खुशबूदार और बहुत बहुत टेस्टी सा मसाला। इस मसाले को आप इस तेल में डालेंगे ना तो डालते ही ऐसी खुशबू फैलेगी ना पूरे घर में कि सबको पता चलेगा कि कुछ टेस्टी और डिफरेंट सा बन रहा है। तो ये मसाले मैंने पूरे डाल दिए हैं, इसके साथ ही हम इसमें थोड़ी सी मसाले और ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पर एक डिफरेंट सा टेस्ट देने के लिए ऐड कर रही हूँ सांभर मसाला, ये घर का बना हुआ है। लगभग 1 टेबलस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ। अगर आपके पास ये मसाला नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, सिर्फ वो बनाए गए पेस्ट से भी आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। अब इसमें डाला है मैंने 1 छोटी चम्मच काश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर और थोड़ी सी हल्दी 1/3 छोटी चम्मच के आसपास, ये सिर्फ कलर के लिए। अब सारे मसालों को अच्छी तरीके से तेल में भूनेंगे क्योंकि हमने जो मसाला पीस कर बनाया था वो बिल्कुल कच्ची चीज़ों से बनाया था, तो उसको पकाना बहुत ज़रूरी है। जितना अच्छे से आप इस मसाले को पकाएंगे ना सब्ज़ी में उतना ही बढ़िया खुशबू और उतनी ही बढ़िया टेस्ट आएगी। तो चलिए इसको 1-2 मिनट धीमी आंच पर भून लेंगे तब तक कि तेल रिलीज ना होने लगे। तो देख सकते हैं 1 मिनट मैंने इनको भून लिया है और बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आ रही है इसमें से। तो अब यहाँ पर डालेंगे टमाटर, मैंने कद्दूकस करके लिया है, आप पीस करके भी यूज़ कर सकते हैं। तो 2 मीडियम साइज़ के टमाटरों को मैंने यहाँ पर लिया है, आप चाहें तो टमाटर के बजाय दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस रेसिपी में। टमाटर डालने के साथ ही हम इसमें नमक ऐड कर लेंगे स्वाद के हिसाब से और अब हम टमाटर और सारे मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए इनको तब तक पकाएंगे जब तक कि टमाटर का जो कच्चा टेस्ट है वो एकदम बढ़िया से कुक हो जाए और साइड साइड से तेल भी रिलीज होने लगे। एकदम अच्छी तरीके से पकाना है इनको। तो ढक देते हैं 1-2 मिनट के लिए और फ्लेम को कम कर देंगे। तो ये देखिए 1-2 मिनट हो गए हैं और मसाले अच्छी तरीके से कुक हो चुके हैं टमाटर के साथ में। तो एक बार इनको चला लीजिए और ये बढ़िया से कुक हो गए हैं। अब इसमें बारी आती है पानी डालने की। अब इसमें कोई और एक्स्ट्रा मसाला हमें ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर चाहें तो थोड़ी सी कसूरी मेथी का इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन हम यहाँ पर ताजे मेथी से बना रहे हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1.5 कप के आसपास पानी। पानी थोड़ा सा ज़्यादा ही हमें इस रेसिपी में यूज़ करना है तो कप से नापकर मैंने 1.5-2 कप के आसपास पानी इसमें डाल दीजिए और अच्छी तरीके से मसालों के साथ मिक्स कीजिए। पानी में 1-2 उबाल आने दीजिए, फ्लेम को हाई कर देंगे और अच्छी तरीके से इनको उबलने देंगे। और तब तक आप ये देखिए जो मिक्सचर हमने बनाया था मेथी के पत्तों से, इसको थोड़ी देर रखने के बाद ये काफ़ी गीले से हो गए, देख रहे हैं, क्योंकि मेथी ने अपना काम कर दिया है। और इस मिक्सचर को अगर आप तुरंत बना रहे हैं ना तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इस मिक्सचर को इस कंसिस्टेंसी में लाना होगा, यानी थोड़ा सा गीला करना होगा। तो यहाँ पर हमें सोडा वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करना है, इसके छोटी छोटी सी वड़ियाँ बनानी है और इन वड़ियों को हम ये उबलते हुए ग्रेवी में डालेंगे। ये देखें बहुत ही छोटी छोटी सी वड़ियाँ बनानी है, बड़े बड़े बिल्कुल नहीं बनाएंगे। अगर आप बड़े बड़े बनाएंगे ना तो अंदर जूस नहीं जाएगा, ये अच्छे से सॉफ्ट नहीं होंगे और थोड़े से ना हार्ड भी बनेंगे, इसलिए छोटे छोटे बनाएं और सारे वड़ियों को एक बार डाल दें और इनको थोड़ी देर उबलने के बाद आप इनको इस तरीके से टच कर सकते हैं। देख रहे हैं रेड ग्रेवी के साथ ही ग्रीन ग्रीन से पकौड़े कितने अच्छे दिख रहे हैं। तो इनको तलने की भी कोई ज़रूरत नहीं, ये ऐसे बढ़िया से कुक हो जाते हैं, बिल्कुल भी कच्चे नहीं रहते। और यहाँ पर जो जूस है ना ग्रेवी है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है ताकि जो वड़ियाँ हैं उनको कुक होने का टाइम मिले और अच्छी तरीके से वो जूसी हो सके। तो अगर आपको पानी कम लग रहा हो तो आप थोड़ा सा गर्म पानी डाल सकते हैं, ठंडा पानी बिल्कुल मत डालिएगा। चलिए ढक देते हैं और 5-6 मिनट इनको कुक होने देंगे लो फ्लेम पे। और अब आइए इनको चेक कर लेते हैं। और ये देखिए ढक्कन हटाते ही एकदम लाजवाब सी खुशबू फैल गई है क्योंकि हमने इसके लिए बहुत ही स्पेशल सा मसाले का तैयार किया था। और देख सकते हैं सब्ज़ी कितनी लाजवाब बनी है, जो वड़ियाँ हैं वो बढ़िया से कुक होकर एकदम ऊपर तैर रही है, मतलब एकदम अच्छी तरीके से तैयार हो गई हैं। और ग्रेवी भी आप देख सकते हैं जितना ये ग्रेवी है थोड़ा सा ठंडा होने के बाद ये हल्का सा एकदम ड्राई होगा,
तो इतना पानी काफ़ी होगा। चलिए अब हम गैस का फ्लेम बंद करते हैं और इसको अब सर्व करेंगे। यहाँ पर आप चाहें तो थोड़े से फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये लीजिए, गर्मा गर्म सी मेथी की ये स्वादिष्ट सी सब्ज़ी बनकर बिल्कुल तैयार है। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, आप इनको रोटी, पराठे, चावल किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, ये बहुत स्वादिष्ट लगती है। मैं आपको इन बड़ियों को कट करके दिखाती हूँ कि कितनी ज़्यादा नरम है। बस चम्मच रखते ही एकदम टूट जाते हैं, मतलब मुंह में घुलने वाला टेक्सचर है इसका। साथ ही हमने जो इसमें नारियल के लच्छे डाले थे ना, इससे इसका टेस्ट और बढ़ गया है। देख सकते हैं कितने नरम बने हैं और बहुत ही ज़्यादा जूसी। ज़रूर से एक बार ट्राई कीजिए। मैं इन्हें सर्व कर रही हूँ अजवाइन वाले लच्छा पराठों के साथ। तो आप इसको किसके साथ खा रहे हैं हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। रेसिपी अगर पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, अपने ढेर सारे फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेथी के पत्तों की और नए नए पराठों की रेसिपीज़ अगर आपको देखनी है तो मैंने वीडियो के नीचे ढेर सारे रेसिपीज़ के लिंक दे दिए हैं, जाकर ज़रूर से ट्राई कीजिए। और इस रेसिपी को भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसको मेथी की डबका करी भी कह सकते हैं या फिर डबका वाली सब्ज़ी भी कह सकते हैं। बहुत ही कम तेल में बनकर तैयार होती है और बहुत ही स्वादिष्ट। ज़रूर से बनाइए और अपने सुझाव हमें कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो अपने ढेर सारे फ्रेंड्स को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए इन्जॉय कीजिए, कल फिर मुलाकात होगी एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।